Hi everyone, welcome back to my channel again. So I'm back with another non-sponsored video today. So इस video के अंदर मैं जिस product का review करने वाली हूँ वो है ये Color Essence का HD Loose Powder. So इसके बारे में आज हम बात करेंगे and मैं देन आपको इसको apply करके भी दिखाऊंगी कि ये after application भी कैसा है या जो ये product claim करता है ये up to the mark है या फिर नहीं है. सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की फ्रेंड्स. तो ये इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है. तो ये है कलर एसेंस का HD पाउडर है एंड ये इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है. सो नीचे यू गेट द प्रोडक्ट एंड ऊपर इसके ये एक ब्रश मिलता है जो आपको एज एन एप्लीकेटर आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो इसका जो प्राइस है सबसे पहले वो है 450 rupees एंड इसमें आपको मिलता है 10 grams ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जो ये नीचे पाउडर है. ये लूज पाउडर है 10 grams का एंड ये 3 या 4 शेड्स में आता है. सो इसमें जैसे शेड्स हैं 1, 2, 3 ऐसे कर कर हैं. तो मेरे पास जो ये शेड है ये है FP1. दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड दैट आई हैव फॉर माई फेस एंड इस प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो 36 months की होती है. दैट मीन्स 3 years तक ये प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है. तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है एंड इसके बारे में बात करूँ तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है दैट इट इज़ अ हाई डेफिनेशन पाउडर एंड इट विल रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ एज स्पॉट्स, फाइन लाइंस, डिसकलरेशन, एक्ने ब्लेमिशेस एंड इट विल गिव यू अ सिल्की स्मूथ एंड फ्लॉलेस फेस थ्रू आउट द डे. सो बेसिकली जो है ये आपके जितने भी स्पॉट्स हैं एवरीथिंग उसको हाइड करने का ही क्लेम करता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले ये जो है इसकी ये इसका एप्लीकेटर आता है ऊपर इस तरह का. देन व्हेन यू ओपन दिस तो यहाँ पर ही कुछ इस तरह का जो है वो आपको पाउडर मिलता है. कैन सी तो यहाँ पर इस तरह का पाउडर होता है. तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. एज इट इज़ पाउडर बेस्ड तो ओके इस तरह का ये टेक्सचर है. यू कैन सी तो ये बहुत इजीली जो है वो ब्लेंड हो जाता है. एंड इसकी अगर मैं बात करूँ तो जो इसका एप्लीकेटर ही प्रोवाइडेड है आपको क्या करना होता है कि इसको इसमें डिप करना होता है इस प्रोडक्ट के अंदर एंड देन यू कैन जस्ट ब्लेंड इट ऑफ यूजिंग दिस. अच्छा ये जो इसका जो ब्रश है ये जो साथ में मिलता है ये मुझे इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगा. लाइक इसके जो ये हेयर हैं इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ऑन स्किन. ये मुझे थोड़े से हार्श फील होते हैं ऑन माई फेस. सो मैं इसको जो है यूज़ ना करके जो मेरा नॉर्मल ब्रश है मेरे पास फाउंडेशन ब्रश है या आप कोई भी इस तरह का ब्रश ले सकते हैं उसकी हेल्प से आप इसको लगा सकते हैं. तो मैं आपको इसको यूज़ कर कर दिखाऊँगी. ऑन हाफ ऑफ माई फेस मैं इसको अप्लाई करूँगी सो दैट यू कैन सी कि कोई डिफरेंस एक्चुअली में आता है या नहीं आता है. यू कैन स्पॉट दैट. ओके सो दिस इज़ द पाउडर. मैं इसको लूँगी इस ब्रश के ऊपर एंड देन यू जस्ट डस्ट इट ऑफ कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हमारे फेस पे इकट्ठा सा ना लगे और पैची लुक ना आए. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई फेस. सी गाइस एज इट इज़ नॉट अ फाउंडेशन सो आई डोंट थिंक कि आप इसकी बिल्कुल लेयर्स क्रिएट कर सकते हो फेस में जो आपको एक बहुत ज़्यादा शीन लुक देगा एंड सब कुछ कवर कर देगा. आई डोंट थिंक कि ये वैसा कोई काम करेगा बिकॉज ऑफकोर्स इट इज़ अ पाउडर. आप इससे एक प्रॉपर लेयर क्रिएट नहीं कर सकते. बट हाँ अगर आपका फेस ऑयली है थोड़ा बहुत ऑयलियर साइड पर है तो आप उसको थोड़ा सा जो है वो सेट कर सकते हो. तो आई डोंट थिंक सो कि एक प्रॉपर कवरेज ही आपको देगा. सो आई कम क्लोजर. यू कैन सी मैंने इसको अपने फेस पे लगाया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस ऑन माय फेस एंड दिस इज़ द डिफरेंस. आई वुड से कि इतना ज़्यादा इसने कोई यू नो कहते हैं ना बिफोर आफ्टर वाला वो कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया है. बट येस आई वुड से कि ये जो मेरी साइड है ये कुछ ब्राइटर लग रही है. लाइक यू कैन सी इसने कुछ जो डार्क सर्कल्स हैं उसको हाइड कर दिया है मेरे फेस पर.
तो कोई इतना ज़्यादा यू कांट से कि कोई बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, एंड ऐसा कुछ नहीं है. तो इसने बस जस्ट एज इन एक ये क्रिएट किया है मेरे फेस पर कि एक थोड़ा सा फेस जो है वो ब्राइटर लग रहा है, एंड ये काफ़ी लाइट ऑन स्किन है. आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा लाइक फाउंडेशन, एंड बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है मुझे ये. एंड मैं इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे एक स्पॉट टेस्ट कि वेदर इट कैन कवर द स्पॉट्स और नॉट. ओके गाइस, सो वी विल डू अ स्पॉट टेस्ट. उसके लिए हम देखेंगे कि किसी किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं, सो उसको हम देखते हैं कवर करता है या नहीं करता है. तो यू कैन आई विल जस्ट टेक दिस, दिस इज़ अ ब्लैक कलर पेन एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट वन स्पॉट यूजिंग दिस. सो यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड लाइक अ ब्लैक स्पॉट हेयर. तो अब हम देखते हैं कि ये इसको कवर करता है या नहीं करता है. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस. ओके, आई एम गोइंग टू डस्ट इट ऑफ अ लिटिल बिट एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हेयर. तो इसने कोई एज सच कवर नहीं कर रहा है स्पॉट को. मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर देखती हूँ एंड कवर करने की कोशिश करती हूँ. मैंने, आप देख सकते हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट को लिया है. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस. यू कैन सी कि ये काफ़ी ज़्यादा, तो यू कैन सी, तो आई वुड से कि इसने स्पॉट को कवर नहीं करा है, बट हाँ टू एन एक्सटेंट इसने थोड़ा सा उसको फेड ऑफ कर दिया है कि वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो. तो इट विल नॉट गिव यू अ कम्प्लीट कवरेज लाइक अ फाउंडेशन, बट येस, अगर मैं ही बोल सकती हूँ, आपके फेस पे बहुत कम स्पॉट्स हैं या आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एक्ने की या पिगमेंटेशन की, देन इट इज़ अ गो टू प्रोडक्ट. आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड ले सकते हैं. इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू एंड इट इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो. बट अगर आपकी स्किन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसमें एक्ने की इश्यूज़ हैं एंड पिगमेंटेशन एंड काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं, तो इट विल नॉट गिव यू अ फुल कवरेज. आई वुड से आपको बहुत लो कवरेज देगा. बट अगर आप इसको चाहते हो कि आपको एक अच्छी कवरेज मिले, तो आपको एक फाउंडेशन खरीद ना ही पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का रिव्यू. अगर आपको अच्छा लगा हो ये प्रोडक्ट एंड अगर आपकी स्किन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत लाइट कवरेज आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, एंड अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको फाउंडेशन वाली वो स्टिकी स्टिकी फीलिंग वाली कोई चीज़ चाहिए, और तो आप इसके लिए जा सकते हो. बट अदरवाइज आई वुड नॉट से कि ये मीडियम या हाई कवरेज देगा. सो दिस वॉज माई रिव्यू फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स. बाय बाय, टेक केयर.